नैतिकता वाले लोगों को न सिर्फ हीन भावना के साथ देखा जाता है बल्कि उन पर अक्सर जुल्म भी किए जाते हैं, और ज्यादातर इसकी शुरुआत उनके अपने घरों से ही हो जाती है। मुझे पापा ने बहुत मारा था, गला दबाया था बेल से, और I was admitted in hospital. पापा इतना मारता था कि इधर का आना गिर गया था, यहाँ से ऐसा खून बहता था, जीना हराम कर दिया था कि तू पैदा होते मर क्यों नहीं गया। जिल्लत और उपेक्षा सहते हुए अक्सर बचपन बीतता है। हम जैसे स्कूल जाते हैं या कॉलेज जाते हैं या मोहल्ले में खेलते हैं तो लोग हमें छक्का, मामू, सिक्सर इस टाइप के शब्दों से संबोधित करते हैं जिससे हमें बहुत हर्ट होता है। When I was studying my college days, my electronics training, मेरे कॉलेज के दिनों में इंजीनियरिंग कॉलेज में मेरी क्लास के 6 लड़कों ने मुझे टॉयलेट ले जाकर मेरा यौन शोषण किया, मेरा रेप किया। जब मैंने प्रिंसिपल से शिकायत की तो उन्होंने कहा पहले तुम्हें सुधरने की जरूरत है, तुम सुधर जाओ तो ऐसा नहीं होगा। कई समलैंगिक लड़कियों का उनके परिवार के ही लोगों के द्वारा शारीरिक शोषण होता है। बकायदा फैमिली में रेप करवाते हैं क्योंकि उसने पुरुष का संग नहीं किया है, उसको पता नहीं है, तो कजिन्स को सुलाते हैं उसके साथ। आईपीसी की धारा 377 सेक्शन 377 के अंतर्गत समलैंगिक संबंध दंडनीय अपराध है। इस कानून की आड़ में अक्सर पुलिस भी एलजीबीटी समुदाय के लोगों पर जुल्म करती है। उसको मिसयूज करते ना, मेरी सेक्सुअलिटी को घर तक पहुंचाने के डर से मेरे पास जितने पैसे हैं चलो निकाल लो और मैं दे भी दूंगा क्योंकि मुझे पता है कि मेरे घर तक अगर बात पहुंच गई तो फिर सब कुछ खराब हो जाएगा। ज़्यादा प्रॉब्लम पुलिस नहीं देती थी, पकड़ पकड़ के खींच खींच के लेके जा के स्टेशन में जाते थे, बाल खींच के लेके जाते। परिवार में अस्वीकृति, अत्याचार, समाज में बदसलूकी, ब्लैकमेल, हिंसा, यौन शोषण, रेप और कानून की निगाह में एक प्राकृतिक चीज के लिए मुजरिम करार दिए जाना। लगातार इस किस्म का अमानुषिक बर्ताव हो रहा है हमारे समाज के एक हिस्से के साथ। क्या किसी भी सभ्य समाज को इसे और बर्दाश्त करना चाहिए? दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ हैं अंजलि गोपालन जो नास फाउंडेशन नाम की संस्था के साथ जुड़ी हुई हैं, और गौतम भान जो वॉइस अगेंस्ट 377 इस नाम की संस्था से हैं। अंजलि, आपने दिल्ली हाई कोर्ट में जो पिटिशन फाइल किया था, क्या था वो पिटिशन और क्यों फाइल किया था उसके बारे में हमें बताइए। 1999 या 2000 की बात थी कि तब तक मैं बहुत दिनों से फैमिलीज की काउंसलिंग कर रही थी। मेरे पास एक मदर फादर अपने बेटे के साथ आए, 5-6 घंटे तक ऑफिस में मेरे साथ बात करते रहे, और फिर उन्होंने कहा ठीक है अगर मेरा बच्चा गे है ठीक है हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, चलो बेटा यहाँ से चलो। और फिर 2 महीने के बाद ये लड़का आया, 20-21 साल का लड़का होगा, तो एकदम घबराया सा उसका चेहरा था। तो मैंने कहा हुआ क्या, तो कहता है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक दिल्ली के बहुत बड़ी अस्पताल है वहाँ ले गए थे और उसको शॉक ट्रीटमेंट दिया गया ताकि वो होमोसेक्सुअल से हेट्रोसेक्सुअल बन जाए। तो उस वक्त मेरा पारा ऐसे चढ़ा, तो मैंने कहा कि मैं करूं तो क्या करूं, तो मैं इमीडिएटली उसी दिन मैंने पिटिशन लिखा और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में अगले दिन पहुंच गई। फिर थोड़े महीने के बाद हमें एक लेटर मिलता कि हम ये पिटिशन फाइल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये जो एक्टिविटी है ये सेक्शन 377 के तहत गैरकानूनी है। तो फिर मैंने कहा ठीक है, इसका मतलब है हमें इस कानून को बदलना ही पड़ेगा, कानून बदलना होगा, क्योंकि ये कानून जो है बड़ा अजीब कानून है। ये कानून ऐसा है जिसमें अप्राकृतिक शब्द कानून में है। धारा कहती है अप्राकृतिक यौन संबंध, ये बताता था कि कानून की नजर में ये अप्राकृतिक है। तो ये एक ऐसा कानून है जो आपको सिखाता है कि आप अपने बारे में कैसे सोचो। ये समाज को बताता है। कानून आया कहां से? ये एक 1860 का कानून है। मतलब ये अंग्रेजों ने लाया? बिल्कुल। उनका कानून अभी उन्होंने चेंज किया 50 साल पहले उन्होंने अपना चेंज कर दिया और हम वहीं के वहीं अटके हुए हैं। सवाल ये है कि दो निजी व्यक्तियों के बीच अगर रजामंदी से आकर्षण है, चाहत है, और वो बालिक उम्र के हैं और ये आपका अस्तित्व है और आपकी पहचान है, तो कानून आके इसको अप्राकृतिक करार किस आधार पे करता है? तो असली मुद्दा यह है कि क्या मुझे अपनी अपने शरीर पे मेरा अधिकार है या नहीं। बिल्कुल, दिस इज द मेन पॉइंट ओवर हियर।
2009 में हमें बहुत ही ज़बरदस्त जजमेंट मिला दिल्ली हाई कोर्ट से. दैट बेसिकली मेंट कि अभी होमोसेक्सुअलिटी डीक्रिमिनलाइज्ड हो गया है. अब ये जुर्म नहीं है. हाँ, जुर्म नहीं है. तो दिल्ली हाई कोर्ट में ये कह दिया कि अब ये गैर कानूनी नहीं है, तो उसमें क्या जजमेंट दिया सुप्रीम कोर्ट ने? क्या जजमेंट दिया सुप्रीम कोर्ट ने? जाके ये दिल्ली हाई कोर्ट जजमेंट को कहा कि लेट्स गेट रिड ऑफ इट, जजमेंट को खारिज कर. उन्होंने माना नहीं कि इस कानून के तहत भेदभाव होता है. उन्होंने माना नहीं कि इस कानून के नाम पे हिंसा होती है. उन्होंने कहा मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी, आप गिनती में इतने हैं नहीं कि आपके हकों का हमें परवाह करनी चाहिए. पर मुझे लगता है संविधान के हक हर भारतीय के हक, कोई भी न्यायालय उनकी रक्षा कर सकता है पर ले नहीं सकता. मैं नहीं मानता कि एक जजमेंट से सुप्रीम कोर्ट ने अब संविधान से दिए गए हक मुझसे वापस ले लिए. और 377 मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, सामान्यता का उल्लंघन करता है, संविधान का अपमान करता है. और इस सब के लिए हम सबको आवाज उठाना है उसके लिए. दोस्तों, एलजीबीटी समुदाय पर आज जो जुल्म हो रहे हैं उनको बंद करना है तो सेक्शन 377 में बदलाव लाना होगा. अगर आप इस बात से सहमत हैं तो हमारे मुमकिन है कैंपेन का हिस्सा बनिए और इस टोल फ्री यानी मुफ्त नंबर पर मिस्ड कॉल दीजिए 1-800-833-4003. दोस्तों, आज के टॉपिक के लिए हम दो संस्थाओं को सपोर्ट कर रहे हैं. पहली है नाज फाउंडेशन, जिसके साथ अंजलि जी जुड़ी हुई हैं, और दूसरी संस्था है हमसफर ट्रस्ट, जो इसी विषय पर बहुत अच्छा काम कर रही है. हम सफर ट्रस्ट से यहाँ हमारे साथ विवेक राज आनंद और सोनल ज्ञानी मौजूद हैं. आप इन दोनों संस्थाओं को अपना सहयोग दे सकते हैं. स्क्रीन पर दिए गए नाम से चेक बनाइए और नज़दीकी एक्सिस बैंक शाखा पर जमा करा दीजिए. आप उनकी वेबसाइट पर ऑनलाइन ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं. इसकी पूरी जानकारी आपको एक्सिस बैंक की किसी भी शाखा पर मिल जाएगी. आप एयरटेल मनी के ज़रिए भी इन संस्थाओं को योगदान दे सकते हैं. उसकी जानकारी इस वक्त आपके स्क्रीन पर है. इसके अलावा हमारी फिलैंथ्रोपी पार्टनर रिलायंस फाउंडेशन भी इस विषय पर 1 करोड़ रुपयों का योगदान दे रही है, जो इन दोनों संस्थाओं में आधा आधा बांट दिया जाएगा. अंजलि जी, गौतम, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने का. थैंक यू सो मच. माटी माटी ही मैं, माटी माटी तू, माटी का यह तन, माटी है हर सू, माटी से सब आया है, सब माटी में मिल जाएगा. कुदरत है पगला कुम्हार, जाने कैसा धड़ा बनाएगा. वेलकम बैक. दोस्तों, मैं आपको याद दिला दूं कि आज का शो खत्म होते ही अब से कुछ ही देर में मैं आपके साथ स्टार प्लस पर लाइव रहूंगा. चलिए, आइए दोस्तों, अब मिलते हैं एक अनोखी दादी से. हाल ही में दिल्ली में हुए समलैंगिक जनों के एक आंदोलन में एक इंसान ने बड़े उत्साह के साथ एलजीबीटी समुदाय के लोगों के समर्थन में अपनी आवाज बुलंद की. डोंट फील शाय, अपने आप को डिस्करेज मत करो मेरे बच्चों. आई एम विद यू. तुम्हारी जिंदगी तुम्हारा हक है. मेरे बच्चे समाज का एक ऑनरेबल हिस्सा है, अनमोल है. उनको कौन कहता है क्रिमिनल? मेरे सामने लाओ. तो मैं भी आपको दादी बोलूं? मुझे बताइए कि इस आंदोलन में आप कैसे जुड़ी? बेटे जी, ये मेरे ग्रैंडसन हैं, ये भी गे हैं. अच्छा. और बेटे जी, मैं इसलिए नहीं जुड़ी हूँ कि मेरा ग्रैंडसन इसमें है, इसलिए जुड़ी हूँ कि वो हर बच्चा मेरे देश का है, मेरे को बिलोंग करता है. तुम बच्चे हो देश के, इस देश के नागरिक हो, वही हक तुम्हारे हैं जो इन सब के हैं. ये हमें संविधान ने दिए हैं. ये जज छीनने वाले कौन होते हैं? ये मेरे सामने आए ना, यहाँ बैठे. तो आपके पोते यहाँ हैं हमारे साथ? जी हाँ. आपका नाम संभव है जी? तो संभव की जब शादी होगी उसमें आप नाचेंगी?
नाचेंगी। अभी मैंने इसकी सगाई की है, इसका बॉयफ्रेंड जो है स्पेन चला गया, इतना डांस किया बेटे मैंने। सारी रस्में मैंने की जैसे पंजाबी करते। दादी इतनी कूल है। दादी आपका क्या संदेश है, क्या मैसेज है समाज को? हर माँ को, हर दादी को, बहन को, पत्नी को, सबको आगे आना चाहिए इन बच्चों को सपोर्ट करने के लिए। अपने आप को बदलिए, बदलिए। ये उसी माँ के पेट से पैदा हुए हैं जिससे दूसरे बच्चे पैदा हुए हैं। चलिए दादी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आपके पोते के साथ हैं। जी, थैंक यू सो मच दादी। दोस्तों, एक लंबे समय से हम हमारे समाज के एक तबके को टॉर्चर कर रहे हैं, तकलीफ पहुंचा रहे हैं, उनको उनका हम मजाक बना रहे हैं, उनके जज्बातों को हम ठेस पहुंचा रहे हैं, उनकी उनकी काबिलियत को हम ठुकरा रहे हैं, उनके उनके इंसान होने पर ही हम सवाल उठा रहे हैं। क्या हक बनता है हमारा? ये हमको शोभा नहीं देता। मुझे लगता है कि वक्त आ गया है कि उन लोगों को जिनके सपने हमारे जैसे हैं, जज्बात हमारे जैसे हैं, डर भी हमारे जैसे हैं, उनको हम अपनाएं। याद रखिए, ये एक कुदरती बात है, कोई बीमारी नहीं है, और ये पैदाइशी है, ये चॉइस या निर्णय करने की बात नहीं। शायद मैं या आप भी इस अवस्था के साथ पैदा हो सकते थे। तो अपने मन से डर हटाइए और कुदरत के इस पहलू को भी कबूल कीजिए, आपको ढेर सारी दुआएं मिलेंगी। जय हिंद, सत्यमेव जयते। माटी माटी मैं, माटी माटी तू, माटी माटी मैं, माटी माटी तू, माटी का यह तन माटी है हर सू, माटी से सब आया है, सब माटी में मिल जाएगा, कुदरत है पगला कुम्हार, जाने कैसा घड़ा बनाएगा। कुदरत की करनी को तू काहे समझे भूल है, ओ माटी के इंसान कह दे छूटे तेरे उसूल है, माटी को सीने से लगा के कह दे माटी मुझे कबूल है, माटी मुझे कबूल है, मेरी माटी मुझे कबूल है। माटी माटी मैं, माटी माटी तू, माटी माटी मैं, माटी माटी तू, माटी का यह तन माटी है हर सू, हर साज नए सुर गाता यहाँ गीतों की भरमार है, हर गीत दिल को छू जाएगा सोच में जो थोड़ा प्यार है। कुदरत पर कसता लगाम ये कैसा तेरा जुनून है, अपना ले माटी मन मेरे ये नफरत तेरी फिजूल है, माटी को सीने से लगा के कह दे माटी मुझे कबूल है, माटी मुझे कबूल है, मेरी माटी मुझे कबूल है। माटी माटी मैं, माटी माटी तू, माटी माटी मैं, माटी माटी।